डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है इस प्रॉपर्टी के बाद, तो हम क्या कर लेते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी कर लेते हैं। डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख के रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। व्हाट इज़ दैट डेफिनेशन? बेंडिंग ऑफ लाइट। आप डेफिनेशन को ध्यान से स्टडी कीजिएगा। इट सेज दैट बेंडिंग ऑफ लाइट और लाइट वेव्स, ये प्रॉपर्टी सभी वेव्स के लिए एप्लीकेबल है। दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ, डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी इज ऑल्सो फॉलोड बाय साउंड वेव्स, लेकिन हम यहाँ पे डील कर रहे हैं सिर्फ लाइट के साथ, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा लाइट वेव्स। सो बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ ऑब्स्टैकल एंड स्प्रेडिंग इट इंटू ज्योमेट्रिकल शेडोज इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, क्लियर? कोई बात नहीं, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ, और उन एग्जांपल्स को देखने के बाद आपको समझेगा कि ये डिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। हमने इंग्लिश में कहावत सुना हुआ है, एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, तो वो जो एग्जांपल है वो एग्जांपल किसका, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है, कि सिल्वर लाइनिंग जो क्लाउड के अराउंड होता है वो होता है एग्जाम्पल किसका, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। या फिर आपने की होल जो है दरवाजे के बाहर जो की होल होता है, आप उसके अंदर से रूम को देखें तो ऑलमोस्ट पूरा रूम जो है आपको वो दिख जाएगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कुछ और एग्जांपल्स है तो आप इन एग्जांपल्स को देखिएगा। इस एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हैं कि सिल्वर लाइनिंग अराउंड द क्लाउड, क्लाउड के बॉर्डर पे ज़्यादा लाइट चमक रहा है, वो डिफ्रैक्शन की वजह से है। इस दरवाजे का बॉर्डर जो है वो ज़्यादा चमक रहा है, डिफ्रैक्शन की वजह से। इन पेड़ों के पीछे से जो लाइट आ रहा है उसकी वजह से कुछ ट्रंक्स डिसअपियर हो रहे, वो भी एग्जाम्पल डिफ्रैक्शन का है। एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिया, लेकिन इस डेफिनेशन का एक और पार्ट है, लाइट बेंड हो रहा है, हम ये तो समझ गए, लेकिन लाइट बेंड होने के बाद अगर स्क्रीन पे आके गिरता है तो वो ज्योमेट्रिकल शैडोज़ देता है, ठीक है? ये ज्योमेट्रिकल शैडोज़ आपको स्क्रीन पे किस तरह से दिखता है वो भी आप देखेगा, कि अगर ये शैडोज़ मैं स्क्रीन पे देखूँ तो वो कैसे आपको दिखेगा। तो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं और हम इसके टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है? तो फ्रेजनल का डिफ्रैक्शन है और फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह का डिफ्रैक्शन आपको मिलेगा। फर्स्ट इज फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन, अनदर इज फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन। नाउ दीज आर वेरी वेरी कॉमन डिफ्रैक्शन पैटर्न्स विच आई यूज टू स्टडी द डिफ्रैक्शन। मेजर डिफरेंसेस जो है मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज वेरी स्मॉल, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज लार्जर एज कम्पेयर टू दिस, दिस डिस्टेंस इज लार्जर। तो सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल वेव फ्रंट्स आर जनरली यूज्ड, वाइल यहाँ पे आपको प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, वेव फ्रंट का कंसेप्ट सेम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद आ रहा है तो वेव फ्रंट हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और ये बहुत इजी पार्ट है और ये आपका इस पार्ट के साथ मैच कर रहा है। देखिएगा, अगर स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा तो आपको ऑफकोर्स क्या मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, और सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कम रहेगा तो ऑब्वियस है कि आपको क्या मिलेगा, सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। तीसरा डिफरेंस जो यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि लेंसेज जनरली नॉट नीडेड इन फ्रेजनल, क्योंकि ऑफकोर्स डिस्टेंस क्या है, स्क्रीन और सोर्स के बीच का कम है, और यहाँ पे जनरली मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है, जनरली जो है वो लेंस यूज़ किया जाता है। मैंने वर्ड जनरली क्यों बोला हुआ है, जब मैं आपका इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको दिखा देता हूँ तो आपको समझेगा कि मैंने वर्ड जनरली क्यों बोला हुआ। आप बिना लेंस के भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लैब में ये परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को तो आपको लेंस की ज़रूरत लगेगा, ठीक है? तो अब हमारे पास जो है वो दोनों डिफ्रैक्शन है जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाला डिफ्रैक्शन जो है वो हमारे सिलेबस में है और क्यों है। ओके, तो हमारे सिलेबस में फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, और
फ्रेजनल का डिफ्रैक्शन जो है उसके बारे में बस इंट्रोडक्शन दे दिया और उन्होंने वो काम क्या कर दिया वहीं पे ख़त्म कर दिया। तो ऐसा क्यों है? सो आई गिव यू वन एग्जांपल। आप एक काम कीजिएगा, इस पेज को देखिएगा और इस पेज के ऊपर ये जो पेन का शैडो है आपको दिख रहा है, शायद से पेन का शैडो आपको दिखेगा, ट्राई ओके, या फिर मेरे हाथ का शैडो का आप देखेगा, ये जो शैडो हाथ दिख रहा है आपको, ये सोर्स जो है वो कैमरा के पास से आ रहा है, लाइट जो है वो कैमरा के पास से आ रहा है, और ओके ये बहुत अच्छा रहेगा, फिंगर के ऊपर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, और इसका शैडो जो है वो मुझे नीचे मिलेगा। अब इस शैडो के बॉर्डर में लाइट जो है, अगर आपको शैडो पे दिख रहा है मेरा हाथ, तो ये देखिएगा यहाँ पे जो बॉर्डर पे आपको क्या दिखेगा, लाइट दिखेगा, वो बेंड हो रहा है। लेकिन ये इफ़ेक्ट आप रियल लाइफ में देख सकते हैं, यहाँ पे कैमरा पे या फिर इस पेज पे मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो लाइट बेंड ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टू स्टडी, नॉट डिफ़िकल्ट बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टडी करने के लिए। तो आप क्या कर लेते हैं, आप फ्रेजनल का डिफ्रैक्शन को स्टडी नहीं करते हैं ज़्यादातर। ऑफ कोर्स वो भी क्या है, डिफ्रैक्शन है, लेकिन सोर्स बिटवीन सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कम होता है और जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट होता है वो विजिबल नहीं होता। आपको अभी जो मैंने रेड वाला एग्जांपल दिखा था स्क्रीन के ऊपर, रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, तो वो होता है फ्राउनहोफर का डिफ्रैक्शन, जिसमें एग्जैक्टली ब्राइट कहाँ पर और एग्जैक्टली डार्क कहाँ पर, ये आपको एक क्लियरली समझ में आता है। और इसीलिए हमारे सिलेबस में उन्होंने क्या किया है, फ्राउनहोफर के डिफ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस किया हुआ। तो अब हम आगे बढ़ते और इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को या फिर फ्राउनहोफर्स के डिफ्रैक्शन पैटर्न को किस तरह से सेटअप करना है वो देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि गिव द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन, या फिर ड्रॉ नीट डायग्राम टू एक्सप्लेन दी फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन, के डिफ्रैक्शन के लिए आपने सेटअप कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊँगा, आप मेरे डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया हुआ है, एस जो है वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लिया हुआ है, इट इज़ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और इससे जो है मैं रेज को आगे जाते हुए दिखाऊँगा। ये जो रेज है वो एक लेंस के ऊपर क्या करेगा, आके स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लेंस के ऊपर रेज को आते हुए दिखाएगा। सो दिस इज़ फर्स्ट, मैं नोटबुक की लाइन को यूज़ कर रहा हूँ, आपको पता है कि आप नोटबुक की लाइंस को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जिससे डायग्राम आपका और क्लियर दिखेगा। तो ये जो है, दीज आर द रेज विच स्ट्राइक्स ऑन अ पर्टिकुलर लेंस। अब आप बोलेंगे फ्राउनहोफर के डिफ्रैक्शन में तो हमने प्लेन वेव फ्रंट यूज़ करना है और स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस भी तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो है, ये आपका यहाँ से जब ये रेज यहाँ पे जाएगा तो ये एक स्पेरिकल वेव फ्रंट रहेगा, ठीक है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट और फाइनाइट डिस्टेंस रहेगा, तो ये बन जाता है आपका स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, ये बन जाएगा स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो ये जो रेज है जब किसी लेंस के ऊपर, देखिएगा मैं फ्री हैंड डायग्राम को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक लेंस को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, मैं दोनों हाथ यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दूसरा हाथ से ये स्क्रीन ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने रेज को ले लिया, तो ये लेंस पे जब आके रेज स्ट्राइक करता है तो इसके आगे जब रेज बाहर निकलेगा तो ये आपको देता है प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। मतलब आपका फ्राउनहोफर के डिफ्रैक्शन में आपको क्या चाहिए था, प्लेन वेव फ्रंट आपको चाहिए था, लेकिन प्लेन वेव फ्रंट या तो आप सनलाइट को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सनलाइट आप क्लासरूम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लिया जिससे मिलता है स्पेरिकल वेव फ्रंट, तो मैंने एक लेंस के ऊपर डाल दिया, तो आगे ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अब ये प्लेन वेव फ्रंट क्या करेगा, प्लेन वेव फ्रंट एक ऑब्स्टैकल के ऊपर आके स्ट्राइक करेगा।
अब हम ऑब्स्टैकल के लिए क्या यूज़ कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक ऑब्स्टैकल के लिए एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं और उसके अंदर क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा होल कर देते हैं। अगर आपको ये बात कार्डबोर्ड के अंदर होल कैसे होता है वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस डायग्राम को देखिएगा। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, रेज है और वो रेज सीधा आएंगे और एक कार्डबोर्ड के ऊपर आके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। ओके, तो ये जो पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट, यहाँ वाला, ये पॉइंट को मैंने नाम दिया है ए और इस पॉइंट को मैंने नाम क्या दिया हुआ है, बी। ध्यान दीजिएगा, ए और बी बहुत ज़्यादा काम करने वाला आगे जाके। तो ये रेज आया, स्ट्राइक किया, ओके, और ये कार्डबोर्ड पे आके वो मिल गया। अब ए से लेके बी तक का ये डायग्राम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, बट द सेम डायग्राम आई एम सपोज टू ड्रॉ इट वंस अगेन, दैट्स वाई प्लीज़ इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा। Now from A to B, this distance is small a. This is called as slit width. Got it? So this is slit width. अब मैं यहाँ पर एक मोबाइल का कवर ले रहा हूँ, इस मोबाइल के कवर को आप देखिएगा। इस होल पे, यहाँ पे जो आपका होल है, ये जो होल है ये कार्डबोर्ड है समझिएगा आप, और कार्डबोर्ड में मैंने एक छोटा सा होल कर दिया। ए ऊपर की तरफ है, बी नीचे की तरफ है। अगर मैं इस मोबाइल के कवर को टिल्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, बराबर है। ए कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ, और बी कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ। ये इस तरह से करने के बाद अब मैं इसको कट कर देता हूँ, क्रॉस सेक्शन अगर मैं ले लेता हूँ तो आपका क्रॉस सेक्शन कैसे दिखेगा, ए बी, समझा आपको। अगर मैं इसको, ये ए और बी को यहाँ से कट कर दिया ऐसे, ठीक है, सेंटर से मैंने इसे कट कर दिया, तो ए ऊपर जाएगा और बी नीचे जाएगा। ये वाला पार्ट आपको शायद से समझ में आ गया। इसे सिंगल स्लिट बोला जाता है, SLIT। तो ये जो पार्ट है, दिस इज स्लिट, SLIT, स्लिट, ठीक। तो अब ये रेज क्या करेगा, ये रेज आगे जाएगा, ओके, हम लोग जानते हैं कि ये रेज क्या करेगा, आगे जाएगा। इसके आगे मैंने क्या करना है, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना है। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा लेंस ले लिया, ऑफकोर्स दिस इज़ अगेन गोइंग टू बी अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, या फिर आप इसे बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, जो हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, हम उसी को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ओके, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो रेज है, जो कि कहाँ से ट्रैवल हो रहा है, या आगे से ट्रैवल हो रहा है, ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, स्ट्राइक, ओके, एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, फिर यहाँ पर भी आएगा, और ये ऊपर से भी रेज आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पेंसिल से मैंने रेज को ड्रॉ किया हुआ है। अब सब लोग जानते हैं, हम बचपन से ये बात देखते आ रहे हैं कहाँ पे, कि सनलाइट में अगर आप कोई डबल कॉन्वेक्स लेंस लेते हो तो उससे निकलने वाली सारी सारी रेज क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या करता है, मिलता है, और वो पॉइंट आपका क्या हो जाता है, ब्राइट पॉइंट हो जाएगा। ये हम देखते आ रहे हैं, और शायद से आपको थोड़ा सा याद भी आ रहा होगा कि हमने अभी जो 2 मिनट पहले जो डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पर आपको एग्जैक्टली सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट दिख रहा था। तो वो जो ब्राइट स्पॉट है, ये बिल्कुल डिफ्रैक्शन के एग्जैक्टली सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट आएगा और ये सारी रेज आके यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये P0 वाला पॉइंट है, और मैं इसे बोल रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है, ये रहा स्क्रीन। ये जो लेंस है, लेंस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, आप इसे F बोल दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा काम करेगा। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कि डिस्टेंस कहाँ से, कैसे और कितना लिया हुआ है, तो आप इस डायग्राम को वापस आके क्या कीजिएगा, देखते रहिएगा। वाइल ये जो स्क्रीन है, या फिर स्लिट है, स्लिट से लेके स्क्रीन तक का, स्लिट से लेके स्क्रीन, लेंस से स्क्रीन नहीं बोला है मैंने, मैंने बोला है स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस जो है, उसे मैं कैपिटल डी से डिनोट करने वाला हूँ, ठीक है, क्लियर। स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस है कैपिटल डी। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो डायग्राम में भी आपको उन्होंने दिखाया हुआ है, वो ये है कि कैपिटल डी इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू स्मॉल ए। व्हाट इज स्मॉल ए, स्मॉल ए इज द
डिस्टेंस और स्लिट विड्थ, ये जो तो ए और बी के बीच का पॉइंट है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। भाई यहाँ तक तो डिफ्रैक्शन दिख नहीं रहा है, कैसे? क्योंकि डिफ्रैक्शन तो होता है बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस ऑफ ऑब्स्टैकल, तो ऑब्स्टैकल लाइट कहाँ पे ब्लॉक हुआ या फिर ट्रैवल करते करते उससे मुश्किल कहाँ पे आ गया ट्रैवल करने में, ए और बी पॉइंट पे। तो ए और बी पॉइंट पे लाइट क्या करता है, वो बेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, मैं इस लाइट को ए पॉइंट से हल्का सा बेंड कर रहा हूँ, और मैं बी पॉइंट से भी क्या कर लेता हूँ, मैं बी पॉइंट से भी लाइट को क्या कर लेता हूँ, हल्का सा बेंड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये बेंड हो गया, मैंने पर्पसली अलग कलर लिया हुआ। अब जैसे ही ये लाइट जो है वो लेंस के अंदर से आता है और आगे जाता है, तो वो बेंड होके, पता है ना, लेंस के अंदर से रेज जाता है तो अपना ट्रैवलिंग का रास्ता क्या कर देगा, बदल देगा। तो ये जैसे लेंस से बाहर आता है तो ये इस पॉइंट पे, देखिएगा मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ पी ज़ीरो, तो ऊपर वाला पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा पी। लाइट क्या किया, लाइट बेंड किया ऑब्स्टैकल पे, और इस लेंस ने उस बेंडिंग को प्रॉपरली क्या कर दिया, आपको आगे बता दिया। अगर मैं ए और बी डायरेक्टली ये लेंस यूज़ नहीं करता बीच में, तो बेंडिंग तो हो जाता, लेकिन पी और पी ज़ीरो ये जो पॉइंट है वो एकदम पास में आ जाते हैं। ठीक है, जो कि आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने क्या किया है, बीच में लेंस यूज़ किया हुआ है। अगर आपको ये पॉइंट समझना है कि ये पास में आएगा लेंस नहीं यूज़ हुआ, तो आप एक काम कीजिएगा, अभी मुझे पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा मेरा हाथ का शैडो जो है, फिंगर का शैडो जब नीचे आएगा, तो जैसे जैसे मैं इसे पीछे लेते जाऊँगा, तो यू विल फाइंड दैट इसका शैडो जो है वो थोड़ा सा डिम होते जाएगा, लेकिन इस शैडो के क्या करेगा, साथ में मुझे दूसरा भी शैडो दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये पॉइंट हम देख लेते हैं आगे, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर लेंस नहीं होता तो मुझे ये P और P ज़ीरो बहुत पास मिलता, लेकिन लेंस है इसलिए ये जो बेंडिंग हुआ यहाँ पे वो मुझे बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, फिर से एक बार, S इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम विच वी गेट स्पेरिकल वेव फ्रंट, दी स्पेरिकल वेव फ्रंट द पासिस और द फॉल्स ऑन अ डबल कॉन्वेक्स लेंस एंड प्रोड्यूसेस प्लेन वेव फ्रंट। For Fraunhofer's diffraction, we need plane wavefront. So this is the way to get plane wavefront. These plane wavefront or this light, it falls on a single slit having a slit width of small a, and after passing through a double convex lens, few rays they meets at a particular point on screen and gives a bright spot P0, while few rays they bends at slit and after passing through lens they'll meet at a particular point P, and this point it may be bright or dark. Dekhiyega maine kya bola ki ye definitely kya hoga, ye definitely bright hoga, lekin ye wala point kya rahega, this may be bright or this may be dark, ya fir minimum light wala bhi ho sakta hai ya fir zyada light wala bhi ho sakta hai। इसका नेचर कौन डिसाइड करेगा, देख लेते हैं आगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा 3 से 4 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन एंड गिव द कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, या फिर ब्राइटनेस कहाँ पे मिलेगा और डार्कनेस कहाँ पे मिलेगा, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम जस्ट टू रिप्रेजेंट द वे इन विच रेज आर प्रोपगेटिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, राइट। लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन आता है, जैसा मैंने अभी आपको बोला, तो उसके लिए आपको एक नया डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। इन दिस डायग्राम यू आर नॉट एट ऑल गोइंग टू शो द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑल दैट, आपको ये वाला पार्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से शुरू कीजिएगा। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ से आपको आगे कंटिन्यू करना है, दिस पार्ट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी। अगेन वी आर गोइंग टू द सेम डायग्राम, मैं हर पॉइंट जो है इस डायग्राम के अंदर का फिर से एक बार बोल देता हूँ। कंसिडर अ प्लेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्लिट ए बी ऑफ विड्थ स्मॉल ए।
rays passes through slit and falls on a double convex lens, and after passing through double convex lens, few rays, they meet at a particular point on screen at point P0 and gives brightness, while few rays, जो कि मैंने यहाँ पे pink में दिया हुआ है, few rays, they bends and after passing through lens, they produces, they meets at a particular point P on the screen. अब बाकी चीज़ें आप यहाँ पे theoretical part में लिखेगा, let capital F, let small f be the focal length of lens and the distance between screen and source, slit and screen is capital D. ये बातें आपने यहाँ पे theoretical part में लिख दिया. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक 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 पॉइंट को आगे कंटिन्यू करना है. ठीक है, हमारा ज़्यादातर अभी जो काम पड़ेगा वो पिंक वाली जो रेज है उनके साथ काम पड़ेगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको क्या कर लेता हूँ, ये जो पहला पार्ट है, कौन सा, ये जो वाला पार्ट है, इसको मैं कंसेप्ट क्लियर करके ख़त्म कर देता हूँ. अब आप ज़रा ए से निकल के पी ज़ीरो तक जाने वाली रेज को जो है वो देखिएगा. ठीक है, ए से रे निकला और वो गया पी ज़ीरो पे. सिमिलरली जो बी से रे है वो भी निकला और वो पहुंचा कहाँ पे, पी ज़ीरो पे. जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस का मतलब है यहाँ से लाइट को ट्रैवल करते हुए यहाँ पे पहुंचने का रास्ता, इधर से वेव को पहुंच के इधर पहुंचने का रास्ता, दिस इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस और पाथ ट्रैवल्ड बाय रे फ्रॉम ए टू पी ज़ीरो बी टू पी ज़ीरो, दैट इज इक्वल. अगर मैं ये बेंडिंग जो होता है ना यहाँ पे, ये वाला बेंडिंग वाला पार्ट, अगर मैं ए को थोड़ा सा आगे लेके आऊँ, बी को थोड़ा सा लेके आऊँ, तो डायग्राम मेरा कुछ ऑलमोस्ट इस तरह से दिखेगा. देखिएगा, ए से आप कहाँ पे पहुँचे, पी ज़ीरो पे, बी से आप कहाँ पे पहुँचे, पी ज़ीरो पे. तो ये जो रास्ता रहेगा वो इक्वल रहेगा ए पी ज़ीरो बी पी ज़ीरो. ये पाथ जो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, बराबर है. तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस ज़ीरो. पाथ डिफरेंस कितना आ गया, ज़ीरो. और जब पाथ डिफरेंस ज़ीरो आया तो याद है ना आपने, वो डायग्राम आपको याद है, वहाँ पे आपको क्या मिला था, आपको कंस्ट्रक्टिव या फिर ब्राइट बैंड मिला था. ये बात यहाँ तक क्लियर हो गया कि व्हेनेवर द रेज, ब्लैक वाला पार्ट को हम क्लियर कर रहे हैं, पिंक वाला भी नहीं, व्हेनेवर द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए ओ बी पासेस थ्रू लेंस एंड मीट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द स्क्रीन, दे प्रोड्यूसेस ब्राइटनेस बिकॉज पाथ डिफरेंस इज ज़ीरो. व्हेन आई से पाथ डिफरेंस इज ज़ीरो, यू कैन ऑब्वियसली कंसिडर दैट फेज डिफरेंस भी वहाँ पे कितना होगा, ज़ीरो होगा. ठीक है, ये बात क्लियर हो गया आपका. तो उसके बाद हम इस डायग्राम में अब पिंक वाले पार्ट की तरफ क्या कर देते हैं, फुल कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, आप इस केस में भी पाथ डिफरेंस की बात समझिएगा. रे ट्रैवल किया फ्रॉम पॉइंट ए एंड इट रीचेस टू द पॉइंट पी. ध्यान दीजिएगा, पाथ ट्रैवल बाय अ रे फ्रॉम ए टू पी इज ए पी, पाथ इज ए पी. दूसरा रे जो है वो बेंड किया कहाँ से, बी से, एंड वो पहुँचा कहाँ पे, पॉइंट पी पे. ठीक है, सो पाथ ट्रैवल बाय रे फ्रॉम ए एंड बी इज ए पी एंड बी पी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पी ज़ीरो, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट पी. सो ये पाथ आपको दिख गया, मैं बीच वाला रे को बाद में कंसिडर कर लेता, बट फॉर द टाइम बिंग आप इन दोनों की तरफ ध्यान दीजिएगा. तो ये कैसे दिखेगा, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा. मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है, ए से लेके पी तक गया और बी से लेके पी तक गया. ठीक है, क्लियर ये बात. तो मैं स्केल से देख लेता हूँ. ध्यान दीजिएगा, ये जो बेंडिंग है, ये वाला यहाँ पे जो बेंड दिख रहा है ना, दिस बेंड इज वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, क्योंकि मैंने उस स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए क्या कर दिया, निकाल दिया हुआ है. यहाँ पे ये जो बेंड है उसे निकाल दिया, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कर दिया. नाउ लुक एट दिस, ऑलमोस्ट डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट है
12 के आसपास, 12 सेंटीमीटर के आसपास, राइट। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे डिस्टेंस देख लेता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट 10.5 के आसपास डिस्टेंस है, ठीक है। एक काम करो, बी पी ए पी पी ए डिस्टेंस जो है, ये पी टू ए डिस्टेंस, इसको मैं सीधा क्या कर लेता हूँ, नीचे की तरफ लेके आता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे नीचे लेके आऊँ तो मैं एक ऑलमोस्ट कोई पॉइंट पे पहुँच जाता हूँ। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझा मैंने क्या किया है, तो उसको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। आपका बी से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना था, ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर। ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है, ए से पी तक का डिस्टेंस है ऑन एन एवरेज 10.5। मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, पाथ डिफरेंस, समझ में आ रहा आपको, मैं लेने वाला हूँ पाथ डिफरेंस। इस रफ डायग्राम में डिफरेंस कितना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 का आपको मिल जाएगा, बराबर है। लेकिन रियल लाइफ में जो ये पाथ डिफरेंस आता है, जब मुझे ये बेंडिंग भी दिमाग में रखना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने वो जो इस डायग्राम में दिखाया है इसमें मैंने बेंडिंग को दिमाग में नहीं रखा है, राइट। लेकिन जब मैं इस बेंड को दिमाग में रखता हूँ, तो इट इज़ फाउंड दैट द डिफरेंस बिटवीन पाथ ट्रेवल्ड बाय रे फ्रॉम ए टू पी एंड बी टू पी इज डिनोटेड बाय अ परपेंडिकुलर ड्रॉन। अगर मैं ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, और वो परपेंडिकुलर कहाँ पे जाएगा, इस बी वाली लाइन पे जाके मिलेगा। सो ये जो परपेंडिकुलर है, मैं इसको बोल रहा हूँ सी, ठीक है। दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बी पी, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। ये एंगल जो है, इसे मैंने कंसिडर किया हुआ है थीटा। दीज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप इन एंगल्स को ध्यान रखिएगा। सो व्हाट इज बी सी, बी सी इज पाथ डिफरेंस। फिर से यहाँ पे इन दो लाइंस के बीच में जो ऑलमोस्ट डिफरेंस आ रहा था, वो डिफरेंस कितना है, बी सी है, ठीक है। ऑलमोस्ट डिफरेंस कितना आ गया, वो आ गया बी सी। तो मैं इस ट्राइंगल को नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा ये। तो ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये होगा ए, ये हो जाएगा नीचे की तरफ सी, क्योंकि वो सी पॉइंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये जो मेरा रहेगा वो रहेगा पॉइंट बी, समझ में आ रहा है। सो ये आ गया ए, यहाँ पे होगा सी, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, सी पे ड्रॉ किया हुआ है, तो ये मेरा सी पॉइंट और ये होगा बी। तो ए से लेके रे, बी से लेके रे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, दैट इज बी सी। दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज 90। अब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा को फाइंड कीजिएगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा का वैल्यू होगा अपोजिट डिवाइडेड बाय कितना, हाइपो, 90 के आगे वाला हाइपो, तो ये हो गया आपका ए बी। ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी, व्हाट इज बी सी, बी सी इज पाथ डिफरेंस, गॉट इट, दिस इज पाथ डिफरेंस, विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, रीअरेंज बी सी एज इट इज। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप ये वाला डायग्राम भी क्या कर सकते हैं, सामने रख सकते हैं, बी सी थीटा। तो अब मैं इस बी सी के बारे में लिख रहा हूँ, तो बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ज़रा डायग्राम को देखो, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल ए है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल ए। तो बी सी इज इक्वल टू वॉट, बी सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, गॉट इट, दिस इज बी सी। एंड व्हाट इज बी सी, बी सी इज पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बी सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल वाला डायग्राम है,
मैं इसे बाद में भी यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मैं बाद में इसमें टैन थीटा को भी सर्च करने वाला हूँ। बट फॉर द टाइम बीइंग आप दिमाग में रखिएगा पाथ डिफरेंस बी सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ तक आपको मिल गया। सो दिस इज़ द डायग्राम दैट वी आर यूजिंग फॉर रेफरेंस, और इसे मैंने इन डायग्राम की मदद से क्या किया हुआ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। दीज आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम से नहीं होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका इसी डायग्राम से होगा। बट आपको समझाने के लिए मैंने वो बेंडिंग वाला पार्ट निकाल के क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, बी सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, आगे जाते हैं। ये कंडीशन के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा इजी वाला पार्ट बोल देता हूँ। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है दैट एक्सप्लेनेशन इज लिटिल बिट ट्रिकी, अगर आपको वहाँ से समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको अलग वर्ड्स में बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है, हमें डिफ्रैक्शन के लिए ये जो पाथ डिफरेंस है फॉर डिफ्रैक्शन बी सी, बी सी इज वॉट, बी सी इज कॉल्ड एज पाथ डिफरेंस एंड दिस पाथ डिफरेंस इट शुड बी केप्ट एज लैम्बडा बाय टू। ध्यान दीजिएगा इसे मैं लैम्बडा बाय टू रख रहा हूँ, अगर आप इन जनरल ऐसे भी रख दें पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टू कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफ्रैक्शन के लिए जब वेव स्क्रीन के ऊपर मिलता है तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय टू होता है। अब आप एक काम कीजिएगा, आप स्लिट के, ध्यान दीजिएगा स्लिट जो है उसका विड्थ कितना है, ए बी है, इसके आप टुकड़े कर रहे हैं इवन, ठीक है, आप इसके इवन पार्ट कर रहे हैं। इवन कितना होता है, 0, 2, 4, 6, 8, और ऑड वाले पार्ट कितने होते हैं, तो ऑड वाला पार्ट रहेगा 1, 3, 5 एंड 7। ठीक है, मैं इसके इवन टुकड़े करूंगा और ऑड टुकड़े कर लेता, मैं पहले ऑड की तरफ आता बिकॉज दैट इज़ वेरी इजी। ध्यान दीजिएगा आपने स्लिट के कितने टुकड़े करना है, ए, दैट मीन्स ए डैश का वैल्यू कितना होगा, ए डिवाइडेड बाय पहला नंबर कितना है, 1, तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो क्या किया मैंने, स्लिट का कोई टुकड़ा नहीं किया, ठीक है, इसका मतलब है स्लिट इज नॉट डिवाइडेड। अगर मैं स्लिट को डिवाइड ही नहीं करूं किसी पार्ट में तो क्या होगा, देखिएगा क्या हुआ, अगर ए डैश का वैल्यू कितना किया मैंने, ए डैश का वैल्यू ओरिजिनल कितना था, ए, ए डिवाइडेड बाय 1 किया तो कितना आ गया, ए, मतलब मैंने इसका कोई टुकड़ा नहीं किया, जैसा है वैसा ही है, तो कितने पॉइंट्स मिल रहा है मुझे स्लिट के ऊपर, तो मुझे मिल रहा है ए और बी, इनसे वेव्स मिला और मुझे स्क्रीन पे क्या मिला, ब्राइट पॉइंट मिला। ठीक है, तो इस कंडीशन की तरफ आइए, बी सी का वैल्यू कितना होगा, लैम्बडा बाय 2, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू ए डैश साइन थीटा, बी सी का वैल्यू कितना है, लैम्बडा बाय 2, ए डैश का वैल्यू केस नंबर 1 में आपने कितना लिया, ए साइन थीटा, तो मुझे स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट ब्राइट, या फिर आप बोल सकते हैं फर्स्ट मैक्सिमा कब मिलेगा, व्हेन ए साइन थीटा इज लैम्बडा बाय 2, गॉट इट, पहला मैक्सिमा की तरफ। उसी तरह से मैं क्या कर लेता हूँ, दूसरे मैक्सिमा की तरफ जाता हूँ, तो बी सी का वैल्यू, आपको बोला है कि बी सी का वैल्यू हमेशा कितना होगा, लैम्बडा बाय 2, तो मैं फिर से लिख देता हूँ बी सी इज इक्वल टू ए डैश साइन थीटा, बी सी का वैल्यू कितना, इट इज़ लैम्बडा बाय 2, ए डैश को अब कितने टुकड़े करना है, मुझे 3 टुकड़े करना है। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिएगा ये जो है ए है और यहाँ पे जो है वो है बी, ठीक, तो मैं यहाँ पे स्लिट के, पूरे स्लिट के कितने टुकड़े करूँगा, 3 टुकड़े कर देता हूँ,
That means I'm going to get the points on the slits. We divide the slit into odd number, and that odd number is going to be 3. So this is first part, second part, and third part. आपको समझ में आ रहा है? पेंसिल से आपको दिखा देता हूँ. देखिएगा, you have divided this slit A, total width is A, into three parts, A by 3, A by 3, and A by 3. Getting? तो कितने points आपको मिले? You get 1, 2, 3, and 4. So all these 4 points, they are going to give you the light waves. इन पॉइंट से लाइट वेव्स आगे जाएगा. कौन से पॉइंट से? ऐसे पॉइंट्स जिन्होंने स्लिट को कितने नंबर में डिवाइड किया? ऑड नंबर में डिवाइड किया. तो उनसे निकलने वाली रेज जब स्क्रीन पे जाएगा तो वो मुझे क्या देगा? मैक्सिमा देगा. ठीक है, फिर से एक बार वापस कंडीशन पे आते हैं. आपने बी सी का वैल्यू कितना रखा है? लैम्डा बाई टू. ए डैश का वैल्यू कितना होगा? ए डैश पहला तो हो चुका है, तो ये ए डैश का वैल्यू हो गया ए बाई 3 साइन थीटा. रीअरेंज, 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू ए साइन थीटा. गॉट इट? व्हाट इज दिस? दिस इज पाथ डिफरेंस. व्हेन योर पाथ डिफरेंस इज 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, यू आर गोइंग टू गेट सेकंड मैक्सिमा. गेटिंग? पहला मैक्सिमा तब मिला जब आपने स्लिट के कितने टुकड़े किया? एक. एक मतलब कुछ भी नहीं किया, जैसा था वैसा रखा. अगर मैं उसे कंटिन्यू कर लेता हूँ तो वो देखिएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डैश साइन थीटा. बी सी का वैल्यू लैम्डा बाई 2. ए डैश का वैल्यू कितना होगा? इस बार मुझे उस स्लिट के कितने टुकड़े करना पड़ेगा? मुझे इस स्लिट ए और बी के 1, 2, 3, 4, 5 and 6. समझा आपको? एक, ये दो, ये तीन, चार और ये पांच. 1, 2, 3, 4, 5. पांच टुकड़े करना पड़ेगा तो मुझे पॉइंट कितने मिलेंगे? 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे. सो ऑल दीज 6 पॉइंट्स दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस लाइट वेव्स विच विल मीट ऑन द स्क्रीन एंड विल प्रोड्यूस मैक्सिमा. ठीक है, तो ये मैक्सिमा कितना होगा? तो ये मैक्सिमा मेरा होगा तीसरा मैक्सिमा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड दैट इज गोइंग टू बी थर्ड मैक्सिमा. ठीक है, अब बात समझिएगा. फर्स्ट मैक्सिमा के लिए लैम्डा बाय 2, दूसरे मैक्सिमा के लिए 3 लैम्डा बाय 2, थर्ड लैम्डा के लिए 5 लैम्डा बाय 2. तो इफ आई एम राइटिंग दिस कंडीशन फॉर nth मैक्सिमा तो क्या हो जाएगा? फॉर nth मैक्सिमा a साइन थीटा इट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 सॉरी माइनस 1 लैम्डा बाय 2. तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या कीजिएगा? n का वैल्यू जो है आप रखिएगा 1. 2 1 कितना हो गया? 2 2 माइनस 1 1 और ये हो गया लैम्डा बाय 2. मैं दूसरा मैक्सिमा की तरफ जाता हूँ. इफ़ आई एम गोइंग टूवर्ड्स सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा में आपको कितना चाहिए? 3 लैम्डा बाय 2. तो 2 2 आर 4, 4 माइनस 1 इज लैम्डा बाय 3 लैम्डा बाय 2. हम तीसरे की तरफ आते हैं, 3 2 are 6, 6 minus 1 is 5 and lambda by 2. So this is your what? This is your condition for nth maxima. ठीक, अब उसी तरह से हम क्या करते हैं? स्क्रीन के इवन टुकड़े कर लेते हैं. ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है. उन्होंने ये एग्जैक्टली सेंटर में जाइएगा, जी एच वाले पॉइंट्स को लीजिएगा, ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है. ठीक है, आपको गवर्नमेंट बुक का एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ दिस इज़ क्वाइट ईजियर. व्हेनेवर यू डिवाइड द स्लिट इनटू नंबर ऑड या इवन, तो उससे निकलने वाले पॉइंट्स क्या करते हैं? स्क्रीन पे मैक्सिमा या मिनिमा देते हैं. मैं टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रख देता हूँ. उन्होंने आपको बोला कि यू कंसिडर जी एंड एच
ठीक है, आप जी और एच को कंसिडर कीजिएगा, विच आर गोइंग टू बी द सेंटर पॉइंट ऑफ वॉट, सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए ओ एंड बी ओ का सेंटर रहेगा, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, 1, 2, 3 और 4, समझ में आ रहा है आपको, कितने पार्ट्स मिल रहे हैं आपको, 1, 2, 3 और 4। दिस नंबर इज, यस दिस नंबर इज इवन नंबर, 4 जो होता है वो इवन नंबर है। ए ओ और बी अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ए ओ और बी, ठीक है, ए ओ और बी कंसिडर कर लेता, तो स्लिट के कितने टुकड़े हो रहे हैं, स्लिट के हो रहे हैं 2 टुकड़े, समझ में आ रहा है, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, दैट मीन्स यू आर डिवाइडिंग द स्लिट इनटू इवन नंबर, क्लियर। तो एक काम कीजिएगा, हम स्लिट के 0 टुकड़े नहीं कर सकते, तो मैं इस पार्ट को निकाल देता हूँ। अपनी बेसिक जो कंडीशन है, कौन सा वाला, बी सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, मैं उसे लिख देता हूँ, बी सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा। बी सी क्या होता है, बी सी इज ऑलवेज गोइंग टू बी लैम्बडा बाई टू। ए का वैल्यू मुझे एस बार ए डैश या फिर ए का वैल्यू कितना करना है, स्लिट के टुकड़े करने हैं 2, तो मैं लिखूंगा ए डिवाइडेड बाई टू साइन थीटा, रीअरेंज, 2 और 2 कैंसल, तो मुझे ए साइन थीटा कितना मिला, इट इज लैम्बडा। जब मुझे ए साइन थीटा मिला लैम्बडा, तो वो मेरा होगा फर्स्ट मिनिमा, ध्यान दीजिएगा, पहला मिनिमा आपको मिलेगा व्हेन योर ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा। गो फॉर सेकंड पार्ट, आपका फिर से वही कंडीशन लिख दीजिएगा, ए साइन थीटा। अगली बार आपको किससे डिवाइड करना, अगला इवन नंबर क्या रहेगा, 4, वैल्यू लिख देता है लैम्बडा बाय 2, ए बाय 4 साइन थीटा, 2 से कट किया तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ए साइन थीटा, ये 2 सैड गया, तो 2 लैम्बडा, गॉट इट। तो ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला सेकंड मिनिमा, ठीक। अगर मैं इसी बात को कंटिन्यू करूं, तो देखिएगा, पहले के लिए 1 लैम्बडा, दूसरे के लिए 2 लैम्बडा, आगे कंटिन्यू करूंगा तो तीसरे के लिए 3 लैम्बडा, तो फॉर nth मिनिमा के लिए आपको मिलेगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा, ठीक है। पहले के लिए 1 रखो, 1 लैम्बडा आ गया, दूसरे के लिए n का वैल्यू 2 रखो, तो 2 लैम्बडा आ गया, एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है।